चल आ गई सुबह हो गई काम पे लग जा। लेकिन काम तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। कितनी सुहानी सुबह है आज, तक खिड़कियाँ खोल लेता हूँ। आज कितना बोरिंग दिन है, कुछ करने के लिए भी नहीं है। अभी खिड़कियाँ खोलने में भी क्या मज़ा है, कुछ करने के लिए है भी नहीं। मैं क्या करूँ, यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। कहते हैं कि धूप में बैठने से हमारे हड्डियों में शक्तिमान आते हैं। अब आएगी ना मेरी हड्डियों में जान, फिर उन कॉकरोचों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब मैं क्या करूँ, करना क्या होगी। टीवी चालू कर और बैठ जा, टीवी देखने में ही मजा आता है। मैं अच्छे से बैठ तो जाऊँ। अब टीवी में कुछ अच्छा सा शो लगाता हूँ, लेकिन टीवी में तो कुछ दे नहीं रहा है, सिर्फ बोरिंग सा शो दे रहा है। कुछ तो सोचना पड़ेगा, आगे कुछ नया करना होगा। इस दिन को खास बनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, करूँ तो क्या करूँ। अच्छा मुझे याद आया, मेरे पास तो दादी की कहानियाँ हैं, आज तो मैं वही पढ़ूंगा। बड़ी दिन से दादी की कहानियाँ नहीं पढ़ी है। हे किताब, हो तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, यहाँ पर हो क्या, उसमें है क्या, कहाँ पर हो सकता है। हे योगी, यहाँ पर दो बुक हैं, एक दादी की कहानी और नानी की कहानियाँ। पहले मैं क्या पढ़ूँ, दादी की कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ, मज़ा आएगा। चलो योगी, पहले हम लोग नीचे जाके बैठ जाते हैं, फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बुक में कैसी कैसी कहानियाँ होगी, बहुत ही अच्छी कहानियाँ होगी, मुझे तो पढ़ने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। जल्दी से बैठता हूँ, इस बुक को खोलता हूँ, वाह एक पेज भी मिल गया। अब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, दादी की कहानियाँ। एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। वह क्या कहानी है, मज़ा ही आ गया, और कहानियाँ देखनी चाहिए। लेकिन ये कहानी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, और कहानियाँ देखनी पड़ेगी तब मुझे अच्छी लगेगी। चल फेज जल्दी से पलट जा। अरे वाह, यहाँ पर तो एक और कहानी है, एक था मोटू एक था पतलू। मोटू ने इतना खाया कि वो मोटा हो गया और उसका पेट भर गया। पतलू ने कुछ नहीं खाया तो वो पतला हो गया और वो हड्डी बन गया। बहुत ही अच्छी कहानी है। हे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा खाने से कोई आदमी मोटा हो जाता है और ज़्यादा कम खाने से आदमी पतला हो जाता है। हे यहाँ पर एक और कहानी है, स्टोरी ऑफ माइस्टिविस्ट गेमर। एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि वो यूट्यूबर बनेगा। वो हमेशा यूट्यूब के बारे में सोचता रहता था, सबसे बोलता था सब्सक्राइब करने के लिए। वो रोता था पर वो छोटा नहीं था। ये कैसी कहानी है, ये तो बहुत ही मुझे बेकार कहानी लगी। मुझे कहानी पढ़नी है, किसी की बायोग्राफी नहीं। हे दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, सुपर ह्यूमन के बारे में। सुपर हीरो इज वेरी पावरफुल, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसके पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, वह वो दुनिया को बचाता है और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। हे क्या बात है, मैं भी एक सुपर हीरो होता तो कितना अच्छा रहता, उन कॉकरोचों को तो एक ही बार में मज़ा चखा देता। ओके, कहानियाँ तो बहुत पढ़ ली, अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पहले मुझे बुक रख के आना होगा, जल्दी से मैं पहले बुक रख के आ जाता हूँ, फिर आराम से बैठ के खाना खाऊँगा, फिर मज़ा आएगा। लेकिन सुपर हीरो की शक्तियाँ कितनी अच्छी होती है, वो सबकी रक्षा करता है, मज़ा ही आएगा सुपर शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो। अब मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ खाना खाने के लिए, बाय बाय मेरे लाइब्रेरी रूम। हे पहले इसमें क्या है ये भी देख लेता हूँ। हे इसमें तो मेरी पेंटिंग रखी हुई है, मैं जो पेंटिंग करता था, कितनी अच्छी पेंटिंग थी। लेकिन पहले तो मुझे भूख लग रहा है। हे ये कैसा निशान है, युद्ध निशान, उधर का निशाना कर रहा है। उधर कुछ है क्या, मुझे देखना होगा उधर क्या हो सकता है। हे ये क्या है, ये तो बहुत ही छुपा हुआ है, लेकिन इसे छुपाया क्यों गया है, मुझे तो पता कुछ नहीं चल रहा है, ज़रूर इसमें कोई राज होगा। हे ये क्या, यहाँ पर तो किताब ही रखी हुई है, ये क्या अननोन, इसमें तो कुछ नहीं रखा हुआ है, ये कैसी किताब हो सकती है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या ओमेट्रिक्स, एक वॉच जो कि बहुत ही अनोखा है और इससे कोई भी स्ट्रॉन्ग एलियन बन सकता है। ओमेट्रिक्स के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं, ओमेट्रिक्स किसी भी गलत आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। हे योगी, पहले तो पेज तो पलट ले, फिर देखता हूँ। एक समय आएगा जब सारे मॉन्स्टर ओमेट्रिक्स को ढूंढते हुए अर्थ पर आ जाएंगे और धरती पर तबाही मचाने लगेंगे। लेकिन ओमेट्रिक्स एक दिन उसको मिलेगा जो उसका हकदार होगा, और फिर वो सुपर हीरो इस दुनिया को बचा सकता है। हे यानी ओमेट्रिक्स जिसको मिलेगा वो सुपर हीरो बन जाएगा, वह कितनी अनोखी पावर है, ये कितना डरावना भी है। अगर वो मॉन्स्टर यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग बचेंगे कैसे। हे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन डर किस बात का होगी, ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये असली थोड़ी है। अगर वो मॉन्स्टर आ भी जाएंगे तो मेरे पास तो ये हथियार है, इस चीज़ों से मैं कॉकरोचों को मारता हूँ, उसी से उन मॉन्स्टर्स को भी मार दूंगा, मॉन्स्टर्स मेरे हाथ से बच नहीं सकते हैं। ए मुझे तो बहुत ही भूख लग रहा है, जल्दी से देखता हूँ फ्रिज में क्या है। ए फ्रिज में तो सिर्फ बोन है। ये क्या, मेरे बड़े बड़े चिकन कहाँ गए, और ये क्या है, भीड़ सीड, भीड़ सीडों का मैं क्या करूँगा।
और ये क्या है, पॉइजनस पोटैटो। पोटैटो भी है जो कि सड़ा हुआ है, और एक आलू है जो कि ठीक ठाक है। ये जरूर उन कॉकरोचों की करामात होगी। हे कॉकरोचो, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे ओगी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ही भूख लग रही है, अभी तो कुछ काम करना ही होगा। चलो ओगी, कुछ काम पर करने के लिए लग जा। कभी कभार काम करके भी खाना खाना चाहिए तो मज़ा आता है। ऐसे भी काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं खेती ही कर लेता हूँ। इसी में मेरा समय जाया होगा और मुझे मज़ा भी आएगा, और इसका मेहनत का फल भी मिलेगा। मेहनत का फल नहीं, मेहनत का ब्रेड मिलेगा। अब थोड़ा सा बचा है ओगी, जल्दी से एक काम कर और भीड़ को लगा। हे लगाते जाओ, ये लगाते जाओ, लगाते जाओ, सब में लगा देना है मुझे, जल्दी से लगाते जाओ। लेकिन ये पहले घास तो काट लूँ, पता नहीं है घास कहाँ से उग जाते हैं। जल्दी जल्दी मैं ये घास को काट लेता हूँ, फिर अपने काम पर ध्यान लगाऊँगा। हे घास, जल्दी जल्दी काट जा। हे अब उधर की घास ही सिर बची है, जल्दी से उधर की घास को काट लेता हूँ। हे वो क्या है, मैंने तो पहले ये कभी नहीं देखा है, कुछ तो अलग लग रहा है। ये हो क्या सकता है, ये अजीब चीज़ हो क्या सकती है, मुझे ये खोद के देखना चाहिए। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। हे आगे डर मत, डर के आगे जीत है। जल्दी से इसे भी तोड़ता हूँ। हे जल्दी से टूट जा। हे ये क्या, डर के आगे जीत नहीं, डर के तो आगे खाई है। लेकिन ये मैं कहाँ आ गया, लेकिन ये वैसे हो क्या सकता है। उधर से तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मुझे उधर जाना चाहिए। हे ओगी इतना दूर आ ही गया है, तो इसे भी खोद दे। काश भैया मेरे साथ रहते तो मुझे डर नहीं लगता। हे ये क्या है, मेरे हाथ में क्या चिपक गया है। हे मेरे हाथ से निकल जा। ओगी पहले शांत हो जा, पहले इसे निकालने की कोशिश तो मैं करूँ। इसे तो मैं बाद में भी निकाल लूँगा, पहले यहाँ से निकलूँ कैसे, लगता है पत्थर ही तोड़ना होगा। यहाँ से तो मैं कूद के नहीं जा सकता हूँ। हे पत्थर जल्दी से टूट जा। हे मैं तो बाहर तो आ गया, लेकिन ये निकल नहीं रहा है, ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे ये चीज़ क्या है, ये तो एक घड़ी की तरह दिखती है, जैसा कि उस बुक में लिखा हुआ था कि एक घड़ी है जो कि बहुत ही ताकतवर है, और वो ओमीट्रिक्स कहलाती है, और ये ओमीट्रिक्स तो वही लगती है। हे यानी मैं एक सुपर हीरो बन गया। ये अब उन कॉकरोचों को मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले यहाँ से निकल तो जाऊँ, पहले घर जाके सोऊंगा क्योंकि रात भी हो गई है। हे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर में कोई किसी मॉन्स्टर की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे जिसका डर था वही हो गया, खतरा आना शुरू भी हो गया जब ये मैट्रिक्स मुझे मिला। मैं तो भूल ही गया था कि इसके साथ खतरे भी आते हैं। हे मॉन्स्टर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी तलवार बहुत ही ताकतवर है। हे ये क्या हो गया, मेरी तलवार गिर कैसे गई। हे अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ फंस गया। भैया बचाओ मुझे। हे ओगी भैया यहाँ पर कैसे आएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। ये ओमीट्रिक्स चालू कैसे होती है, बुक में तो लिखा हुआ था कि ओमीट्रिक्स बहुत ही ताकतवर है, यानी ओमीट्रिक्स ये सबको मार सकती है। हे ये क्या, ये तो चलने लगा। हे ओमीट्रिक्स जल्दी से मुझे कोई एलियन बना दे, कोई ताकतवर एलियन बनाना, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स को मैं मजा चखा सकूँ। हे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये फिर से काम किया, लेकिन मैं एलियन क्यों नहीं बदल रहा हूँ। हे ये क्या मैं बन गया, ये तो मैं एक पौधा बन गया, अब ये पौधा क्या करेगा, लेकिन इसकी शक्तियाँ क्या है। हे ये क्या, ये तो आग फेंक सकता है, ऐसे तो मुड़ा मेरा घर लग जाएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसके पास कौन सी पावर है। हे इसकी पावर से तो मैं किसी को सुला भी सकता हूँ। सब सो जाओ क्योंकि रात भी हो चुकी है। हे जल्दी जल्दी सब आ जाओ, सबको सुला दूंगा। हे मॉन्स्टर्स तू भी सो जा। हे मॉन्स्टर मुझे मारता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सुलो सुलो को मारूंगा। और तू कहाँ जा रहा है, तू भी सो जा। घर के अंदर जाके सोएगा क्या, लगता है सबको मैंने सुला दिया, मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। लेकिन पहले मैं ह्यूमन कैसे बनूँ। हे ओमीट्रिक्स जल्दी से मुझे ह्यूमन बना दे, लगता है इस तरह मैं ह्यूमन बन सकता हूँ। हे मैं ह्यूमन तो बन गया। हे जॉम्बी आराम से सोना, गुड बाय, गुड नाइट जॉम्बी। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा तो मुझे बहुत ही आराम मिलेगा। आज का दिन बहुत ही अलग रहा, जल्दी से अब जाके सो जाता हूँ। सुबह तो हो गई, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मॉन्स्टर सो ही रहे हैं या फिर चले गए, या फिर उन्हें मारना होगा। अगर वो मुझ पर हमला करने लगा तो उससे तो मैं ज़रूर मार दूंगा। हे ये सब तो जाग चुके हैं और ये सब लड़ाई के लिए भी रेडी हैं, लेकिन मैं अभी मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपने तलवार से ही ये सबको मार दूंगा, क्योंकि तलवारबाजी मेरा खानदानी पैसा है। ये सबको तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा। ये रहा मेरा तलवार, अब कोई नहीं बच पाएगा। ये मॉन्स्टर जल्दी धड़ा, जल्दी से मार दूंगा तुझे। ये ले, तू भी ले, सब ले, अच्छे से मरना मॉन्स्टर्स। लगता है तू लास्ट मॉन्स्टर है, ये ले तू भी मर गया। हे मॉन्स्टर्स कोई और मॉन्स्टर बचाए क्या, मेरे भैया को गाड़ी को छूना भी मत, नहीं तो तोड़ दूंगा। उधर तो कोई नहीं था, इधर देख लेता हूँ, इधर भी कोई नहीं है।
लगता है सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। क्या ये मैट्रिक्स मुझे स्टार्ट करके देखना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट कैसे होता है मैं फिर भूल गया। हे मैट्रिक्स जल्दी से स्टार्ट हो जा। पता नहीं मैट्रिक्स की क्या दुश्मनी है मुझसे, ये स्टार्ट क्यों नहीं होता है। हे ये तो स्टार्ट हो गया, फिर से वही एलियन जो मैं इसके कल बना था। ये एलियन तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक पौधा है तभी ये आग फेंक सकता है, तो और एलियंस हैं। हे मैं ये एलियन बन के देखता हूँ, उड़ने वाला एलियन बिग चेल। हे ये क्या, ये तो मैं पूरी तरह से नीला नीला बन गया, क्या मैं इसे उड़ भी सकता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, पहले इसके पंख तो खुल जाएं। हे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, उड़ना ही होगा। हे ये क्या, ये तो मैं उड़ने लगा, अब ना मज़ा आएगा। अब उन कॉकरोचों की तो खैर नहीं, अब वो कॉकरोच बच नहीं पाएंगे। हे ऑगी, लेकिन ये पावर सिर्फ कॉकरोचों को मारने के लिए नहीं मिली है, ये पावर मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए मिली है, इसीलिए इस दुनिया की रक्षा मुझे ही करनी होगी। लेकिन ये पहले कितना धीरे उड़ रहा है, लगता है ये उड़ने वाला एलियन नहीं है, किसी और एलियन जो कि बहुत ही तेज़ उड़ेगा। और अभी तो मुझे इसके पावर के बारे में भी कुछ नहीं पता है, ये क्या कर सकता है। उड़ते हुए तो बहुत मज़ा आया, अब पहले मैं ह्यूमन बन जाता हूँ, लेकिन ह्यूमन कैसे बनूँ फिर मैं फिर से भूल गया। हे इस तरह मैं ह्यूमन बन सकता हूँ इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। और ये दुनिया को भी मुझे ही बचाना है, इस दुनिया की मेरी ज़रूरत है। लेकिन अभी तो कोई मुसीबत आई नहीं है, अभी कोई अलग अलग मॉन्स्टर दिख रहे हैं। अगर वो मॉन्स्टर्स दुनिया पर आ भी जाते हैं तो उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मैं एक सुपर हीरो बन ही गया।